गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आपको फर्स्ट वाला वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों को कहीं पे भी ट्यूशन ना जाना पड़े, कहीं पे कोचिंग ना जाना पड़े, वैसे भी कोरोना में पॉसिबल नहीं है, तो आप लोगों की स्टडी अफेक्टेड ना हो, इसके लिए घर बैठे हुए आपको आराम से डेली का आधे घंटे की क्लास, 20 मिनट 25 मिनट की क्लास मिल जाएगी और वो आप सफिशियंट है, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो साथ के साथ, ठीक है। चाहो तो एक सेपरेट रजिस्टर बना लेना जिसके अंदर आप इन सारी चीज़ों को लिखोगे, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल होगी, एनसीईआरटी का कंसेप्ट होगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे और साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल वन तक मैंने बता दिया था आपको, कैसे इक्वेशन सोल्व करने वो भी बता दिया था। अब कुछ एग्जाम्पल 2, 3, 4 कर लेते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज में मूव करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, हमें पता है कि हम स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वो मैंने बनाना बताया था आपको, ठीक है। आज है कि अगर इक्वेशन गिवन तो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, x-5=9। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर हम x में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें 9 मिलेगा। मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो कि आप इसको लिख सकते हो कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 5, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x वी गेट 9, ये लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो कि सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x टू गेट 9, ये लिख सकते हो। मतलब अपनी लैंग्वेज से कुछ भी बना दो, और लिख सकते हो कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर, ठीक है, वी गेट 9, ठीक है। या आप लिख सकते हो कि अ नंबर x माइनस 5 इज 9, ये भी लिख सकते हो कि अ नंबर x माइनस 5 इज 9, कुछ भी बना लो लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर आप वापस से इसको पढ़ो कि अ नंबर x, तो x माइनस 5 इज मीन्स इज इक्वल टू 9, यानी इससे ये वापस बनना जरूर चाहिए, अदरवाइज आप रॉन्ग बना रहे हो। अदरवाइज आपकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बाकी वाले जो एग्जाम्पल है मैं सिर्फ बोल के बताऊँगा, आप इनको सुनो, अच्छे से समझो, नोट कर लेना। आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ 5 विद अ नंबर p इज 20, लिख सकते हैं। या आप क्या बोल सकते हो, 5 times p इज 20, लिख सकते हो। और लिख सकते हो इसको, व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 विद अ नंबर p वी गेट 20, कुछ भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए। इसको क्या लिखोगे, 3 times अ नंबर n प्लस 7 इज 1, व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 विद अ नंबर n एंड एड 7 वी गेट 1, यानी कुछ भी बना सकते हो आप इस चीज़ को, ठीक है। 1/5 ऑफ अ नंबर m माइनस 2 इज 6, और 1/5 ऑफ m, और ये लिख सकते हो, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ m वी गेट 6, यानी सिंपली आपको लाइन से आपको इक्वेशन बनाना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली बना लोगे। मैंने बोला है इसको पोज कर करके सुन के आप नोट कर लेना किस तरीके से होता है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, एग्जांपल नंबर 3 और 4 जो है, इसको आप नोट करो, मैं पोज करके लिख देता हूँ उसको। हाँ जी बेटा जी, तो अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है कि राजूज फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times राजूज एज। राजूज फादर इज 44 year ओल्ड, सेटअप एन इक्वेशन टू फाइंड राजू एज। आपको इस एग्जांपल में ओनली ये पूछा है कि इक्वेशन सेटअप करो, बट जैसे कि हम जानते हैं कि हाउ टू सोल्व इक्वेशन, तो हम इक्वेशन को सोल्व करके राजू की एज फाइंड भी कर लेंगे, यानी इस क्वेश्चन में पूछा कम है लेकिन हम ज़्यादा पता लगा लेंगे, क्योंकि अब तो हम आता है, ठीक है, तो इंटरेस्ट भी होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि राजू की एज कितनी है, ठीक है। अब सुनो, इन क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, आप खुद सोचो राजू के फादर की जो एज है वो किससे रिलेट करी गई है, राजू की एज से रिलेट किया है। राजू के फादर की एज को किससे रिलेट किया गया है, राजू के एज से किया गया है। दूसरी बात, राजू के फादर की एज तो दे भी दी है, तो किसकी एज अननोन है ये बताओ मुझे। ऐसा कौन है जिसकी एज आपको पता नहीं इस क्वेश्चन में, राजू की एज नहीं पता, तो उसी को आप अज्यूम कर लो। तो आप सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे, प्रॉपर देखो, लेट एज ऑफ राजू इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। राजू की एज आपने क्या मान ली, एक्स मान लिया। बेटा सिंपल चीज़ है, इक्वेशन में जो चीज़ हमें नहीं पता होती इसके अंदर, हम उसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, जनरली हम एक्स मानते हैं, ठीक है। तो राजू की एज आपने क्या मान ली, एक्स। अब तो हो गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक काम करो, क्वेश्चन की लाइन, ऐसी लाइन ढूंढो जिसमें मीनिंगफुल चीज़ें गिवन है,
तो फर्स्ट लाइन में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, इस लाइन में हम एक एक वर्ड का मतलब निकालेंगे। अब अच्छे समझना इस चीज़ को। पहली क्या है, राजूज फादर्स एज, राजूज फादर्स एज। कहीं क्वेश्चन में गिवन है राजू के फादर की एज, यस 44, तो क्या मैं इस लाइन की जगह पे 44 लिख सकता हूँ, राजूज फादर्स एज 44 गिवन है, तो आप लिखोगे इसके अंदर 44, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एज, एज का मतलब क्या होता है, एज इक्वल टू 5 ईयर्स मोर, मोर मतलब ज़्यादा, ठीक है, प्लस 5, ठीक है। आज आपके पास में सपोज करो कि 2 शर्ट हैं, ठीक है, चलो खाने की चीज़ ले लेते हैं, अगर आपकी प्लेट के अंदर 2 पिज़्ज़ा रखे हुए हैं और आप कहोगे मम्मी गिव मी 1 मोर, तो आप जो भी हैं उसमें प्लस 1 कर रहे हो ना, ठीक है, तो वही चीज़ हो गई कि राजूज फादर्स एज, एक वर्ड का मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो राजूज फादर्स एज दिया हुआ है 44 रख दिया, इज इक्वल टू 5 ईयर मोर प्लस 5, किस में प्लस 5 करें, देन 3 times राजूज एज, राजू की एज का 3 times 3 multiply, 3 times का मतलब क्या होता है 3 multiply, और राजू की एज क्या मानी है आपने, x, 3 multiply by x, और हम इसको 3x से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया 3x, ठीक है। दोबारा सुन लो एक बार फटाफट, राजूज फादर्स एज 44, इज इक्वल टू 5 year मोर प्लस 5, किससे 5 year मोर, 3 times राजूज एज, राजू की एज का 3 times 3x, ठीक है, वो रख दिया, तो आपकी इक्वेशन सेटअप हो गई ये वाली, और आपका आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, बट हमारे मन में क्यूरियोसिटी आ रही है कि राजू की एज एक्चुअल में है क्या, आनी चाहिए, नहीं आ रही तो मतलब आपको मज़े नहीं आते मैथ्स पढ़ने में, आनी चाहिए। तो एक बात बताओ मुझे, ये इक्वल साइन है, ठीक है, अगर इसको लाइन को देखो, मैं दो बार पढ़ूंगा, आप समझ रहे हैं दोनों बार क्या डिफरेंस है, मैं लिख रहा हूँ 44 इज इक्वल टू 3x प्लस 5, क्या मैं उल्टा पढ़ सकता हूँ, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44, पढ़ सकते हैं 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44, फिर बोल रहा हूँ मैं 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ से 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44, यानी कि अगर हम इस इक्वल साइन को पकड़ लें, मैंने आपको बताया था इक्वल क्रॉस करने का क्या रूल होता है, बताया था इक्वल क्रॉस होता है तो क्या रूल होता है, प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई, बट यहाँ मैं इक्वल क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में क्या है, जो इक्वल साइन, इसको एक डंडा मानो, पकड़ा इसको ऐसे और इसको बस ऐसे कर दिया आपने, तो जो इधर था पूरा का पूरा इधर आ गया, जिधर वाला पूरा का पूरा उधर चला गया, तो कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ इसको आप ऐसे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, 3x प्लस 5 इक्वल टू 44, 3x प्लस 5 इक्वल टू 44, अगर मैं आपसे बोलूं कि 3x प्लस 5 इक्वल टू 44 लिखो, तो आप ऐसे लिखोगे 3x प्लस 5 इक्वल टू 44, यानी कि ये लाइन और ये लाइन सेम है, ठीक है। ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि हमारी जनरल प्रैक्टिस होती है कि हमें वेरिएबल कहाँ चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए, अब तक आपने जो भी क्वेश्चन सोल्व की वेरिएबल कहाँ था आपका, लेफ्ट साइड में, तो बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि मैं इससे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने आपको बोल के बता दिया, आप इसको 44 इज इक्वल टू 3x प्लस 5 बोल सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको यही बोल सकते हो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44, कोई प्रॉब्लम नहीं बोलने में, और वही मैंने लिखा है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं वो तो आपको आता है, बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है, अब तो बड़े हो गए, आप एक क्लास पढ़ चुके हो, ठीक है, तो देखो ये है इसका फैमिली मेम्बर नहीं छोड़ के जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 44, और ये प्लस 5 फ्रेंड है वो जाने वाला है, तो माइनस का 5 बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू 44 माइनस 5 क्या होता है 39, और x इक्वल टू होगा 39, और 3 अब मल्टीप्लाई में, अब तो जाना ही पड़ेगा, मूवी का इमोशनल सीन आ गया भाई, अब तो विदाई होनी होनी है, जाना है, चले जाओ 13, यानी x की एज हो गई आपकी 13, यानी कि सिंपल चीज़ है यहाँ से, राजू की एज क्या आ गई आपकी, तो राजू की एज हो गई x था जो कि हो गया 13 ईयर, ठीक है, और फादर साहब की एज देखें इनकी कितनी है, चलो देखते हैं फादर की एज क्या है, तो फादर की एज ऑलरेडी 44 दिया हुआ है, ठीक है, अब ज़रा चेक करते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि फादर की एज इसका 3 times 13 × 3 = 39 प्लस 5 more 44 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आपने वेरीफाई भी कर लिया अपना आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना, नेक्स्ट एग्जाम्पल करता हूँ, तब तक आप इसको नोट करो पॉज करके। हाँ जी, तो एग्जाम्पल नंबर 4, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे अभी, ठीक है, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे,
नेक्स्ट एक दो क्लास बाद में, फिर आपको आराम से 30 मिनट की क्लास मिलने लग जाएगी। ओके हाँ जी, पूरा डिटेल में समझेंगे अच्छे से। अ शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। ओके, शॉपकीपर है, छोटे बॉक्स भी रखता है, बड़े बॉक्स रखता है। हो सकता है भाई छोटे बॉक्स क्यों, क्योंकि अगर किसी को छोटे बॉक्स लेके जाने हैं तो छोटे बॉक्स ले, अपन नहीं तो दुकान के ऊपर सामान लेने के लिए जाते हैं। अगर मैगी के एग्जांपल ले लेते हैं, मैगी का छोटा वाला भी आता है 10 रुपये वाला पैकेट, अब तो फिर 12 का हो गया, और एक बड़ा वाला भी आता है, इसमें 4 पीसेज होते हैं, तो छोटा वाला भी बड़े वाला भी है। अब आप खुद बताओ, बड़े वाले के अंदर 4 पीस वाला भी आता है, 6 पीस वाले भी आते हैं, यानी बोल सकते हो कि एक बड़ा वाला जो मैगी का पैकेट है उसमें 6 छोटे वाले मैगी के पैकेट हैं, यही हो रहा है। या फिर बोल सकते हो कि एक बड़े वाले मैगी के पैकेट है, मीडियम साइज़ वाले में 4 मैगी के पैकेट है छोटे वाले। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे कहानी है कि शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, वन स्मॉल एंड वन लार्ज। तो डायग्राम से समझते हैं, फिर पूरा इक्वेशन बना के करेंगे, ठीक है। तो भाई छोटा बॉक्स है उसके पास में एक, ओके, और बड़ा बॉक्स भी है, ठीक है। तो ही सेल्स इन टू बॉक्सेज, वन स्मॉल एंड वन लार्ज, हम बना के देख चुके हैं। पहले आराम डिटेल में समझो, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में नोट तो बाद में कर लेना आराम से, और समझा दूँगा तो हो सकता है खुद भी कर लोगे फिर इसको। लार्ज बॉक्स कंटेन्स एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेज। जो मैगी वाली चीज़ हो गई कि हो सकता है मैगी का बड़ा पैकेट इतना आने लग जाए कि उसके अंदर 8 पैकेट आने लग जाए, तो वही कह रहा है कि इस बड़े बॉक्स के अंदर एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेज, 8 स्मॉल बॉक्स रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए हैं, ठीक है, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 स्मॉल बॉक्स रखे हुए, नंबर डाल देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 तो स्मॉल बॉक्स हैं, प्लस 4 लूज मैंगोज, 4 मैंगो अलग से रखे हुए हैं, ये मैंगो रखे हुए हैं भाई, ठीक है। डायग्राम देख लेना, मुझे ज़्यादा अच्छी लोइकन है नहीं मेरी, ये मैंगो रखे हुए हैं इसके अंदर, 4 मैंगो इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है। यानी 8 बॉक्सेज रखे हुए हैं। मैं छोटा नंबर देता हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर कोई शेप बनानी है, आप देखना इस चीज़ को। हाँ जी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पिक्चर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शॉपकीपर के पास बेचने के लिए छोटा डब्बा भी है, बड़ा डब्बा भी है, बड़े वाले के अंदर 8 तो छोटे वाले बॉक्सेज आ जाते हैं और साथ में 4 अलग से लूज मैंगो आ जाते हैं, ठीक है। और टोटल जो मैंगो पड़े हुए हैं इसके अंदर अभी, यानी बॉक्सेज के अंदर भी मैंगो हैं, हर बॉक्स में सेम ही होंगे, अगर बॉक्स का साइज़ सेम है आपका, ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें 5 मैंगो तो इसमें 5 होंगे, इसमें 5 होंगे, 5 होंगे, 5 होंगे, 5, 5, 5, बट हमें पता नहीं है कितने हैं। तो जब नहीं पता होता था क्या मानते, तो आप मानते हो, मानोगे लेट नंबर ऑफ, डायग्राम ज़रूर बनाना समझने के लिए, ठीक है, लेट नंबर ऑफ मैंगोज इन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू x। अब मुझे एक चीज़ बताना, अगर एक स्मॉल बॉक्स के अंदर अगर मैं मान लेता हूँ 6, एक में, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई 2, 3 में कितने हो जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई 3, 4 में कितने होंगे, 6 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। ये 6 है, ये 6 की जगह पे, तो आप बोल सकते हो इसमें होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 6, एक में 6 आ जाता है, एक में कितने हैं, 6 हैं, तो 2 में 2 मल्टीप्लाई 6, 3 में 3 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 6, 4 मल्टीप्लाई 6, अगर 5 होंगे तो 5 मल्टीप्लाई 6, और यहाँ 6 ना हो के 7 हो तो एक बॉक्स में, तो सर 2 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि हर किसी में कितने हैं, 6, 6, 6, 6, 6, या 7, 7, 7, 7, या 8, 8, 8, 8, सेम रहेंगे। और यहाँ पे अगर नंबर हमें नहीं पता है तो क्या लिखोगे, x। तो 1 बॉक्स में x, 2 बॉक्स में 2x, 3 बॉक्स में 3x, 4 बॉक्स में 4x, ऐसे करते करते 8 बॉक्स में कितने होंगे, 8x। पिक्चर समझ में आ गई, यानी इसमें भी x रखा हुआ है, इसमें भी x मैंगो हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन 8 टाइम x मैंगो हो गए, समझ गए इस चीज़ को। और बड़े बॉक्स में जो टोटल मैंगो हैं, टोटल मैंगोज इन लार्ज बॉक्स इक्वल टू 100, ठीक है। अब मुझे ज़रा बताना, बड़े बॉक्स में टोटल मैंगो कितने हैं, सर x, 8x तो ये रहा, प्लस 4 लूज मैंगो, ये बड़े बॉक्स के मैंगो है, ठीक है।
तो रुको, अभी तो समझाने के लिए था, मैं डिटेल में लिखवाता हूँ करना कैसे है इसको प्रॉपरली। लिखो यहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, अब लिखोगे लेट नंबर ऑफ मैंगोज इन अ स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू एक्स, सो नंबर ऑफ मैंगोज इन एट बॉक्सेस इक्वल टू एट मल्टीप्लाई बाई एक्स या फिर एट एक्स। ठीक है, एट मल्टीप्लाई बाई एक्स या फिर एट एक्स, आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना। अब मुझे ज़रा बताओ, क्या मैं लाइन लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स इज, ठीक है, ये इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैंगोज इन एट स्मॉल बॉक्सेज प्लस फोर। नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैंगोज इन एट स्मॉल बॉक्स प्लस फोर। तो नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स कितना दिया हुआ है, 100 इज मीन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैंगोज इन एट स्मॉल बॉक्स कितना आया था अभी अपना 8x एंड प्लस 4। ये आपकी इक्वेशन सेटअप हो गई, और आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 8x प्लस 4, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 100। और अगर आपको पता करना है एक बॉक्स में कितने हैं तो ज़रा सोल्व कर लो, तो 8x इक्वल टू 100 माइनस 4, ठीक है, और 8x इक्वल टू 96, और 96 अपॉन 8, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, यानी कि एक स्मॉल बॉक्स में 12 मैंगो है। ठीक है, तो देख लो 12 एट जा 96 प्लस 400 आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देखना, कल एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे।